हेलो दोस्तों, आज इस रोमांटिक ड्रामा मूवी को हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। उस मूवी का नाम है लेडी चैटरलीज लवर, जिसे 1981 में रिलीज किया गया था। इस मूवी की कहानी में हम लोग एक औरत को देखेंगे जिसका पति एक लड़ाई में घायल हो जाता है। इसके बाद वो अपनी वाइफ के सेक्सुअल डिजायर को पूरा नहीं कर पाता है। इसके बाद वो अपने नौकर से अपनी शारीरिक इच्छाएं पूरी करती है। ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप इस मूवी को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं जो कि घोड़ों पर रेस कर रहे थे। हमेशा की तरह उस रेस को एक पिलिफर्ड नाम का आदमी जीत जाता है। वो अपनी पत्नी कोनी को ये बात बताता है कि वो इस रेस को जीत गया है, इसलिए उनके घर में आज पार्टी होगी। पिलिफर्ड अपनी पत्नी के साथ डांस कर रहा था, तभी इन लोगों को खबर मिलती है इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में जंग शुरू हो गई है, इसलिए अगले ही सुबह पिलिफर्ड को जंग में जाना पड़ता है। इसके बाद वो जंग में जाकर लड़ाइयाँ लड़ता है और वो इस लड़ाई में घायल हो जाता है। अब पिलिफर्ड अपंग हो चुका था और अब वो हमेशा व्हीलचेयर पर रहता है। कोनी उसका बहुत ख्याल रखती है, लेकिन अब वो अपनी वाइफ को शारीरिक सुख नहीं दे पाता है। एक बार पिलिफर्ड कोनी से कहता है, तुम मेरी वजह से अपनी लाइफ बर्बाद मत करो, अगर तुम चाहती हो तो तुम उसके साथ इंटीमेट हो सकती हो और तुम दोनों का जो भी बच्चा होगा मैं उसे अपना वारिस बनाऊंगा। कोनी उससे बोलती है, तुम बहुत अच्छे हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी वहाँ पर इनका नौकर ओलिवर आता है। क्लिफर्ड ओलिवर से कहता है, तुम मुझे घर तक छोड़ दो। ओलिवर क्लिफर्ड को घर तक छोड़ देता है। जब ओलिवर कोनी को देखता है तब वो उसे लाइक करने लगता है। जब वो यहाँ से जा रहा होता है तब वो कोनी को पीछे मुड़कर देखता है। एक दिन अचानक क्लिफर्ड की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो लोग जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें नहीं मिलता है और वहाँ एक नर्स आती है। उस नर्स का नाम मिस बोल्टन था। मिस बोल्टन यहाँ आकर क्लिफर्ड का इलाज करती है। ठीक होने के बाद क्लिफर्ड कोनी से ये कहता है, तुम ओलिवर के पास जाओ और वहाँ जाकर देखो काम कैसा चल रहा है। कोनी को वहाँ जाना पसंद नहीं था, लेकिन क्लिफर्ड ने उसे जाने के लिए कहा था, इसलिए वो वहाँ जाने लगती है। जहाँ पहुंचकर वो देखती है ओलिवर अपने कपड़े को उतारकर अपनी बॉडी को साफ कर रहा है। जब वो ओलिवर को ऐसे देखती है तब उसके अंदर अजीब सी फीलिंग शुरू हो जाती है और वो ओलिवर को छुपकर देखने लगती है। वो काफी देर तक ओलिवर को देखती है। इसके बाद वो बिना उससे मिले घर वापस लौट जाती है। घर आने पर क्लिफर्ड उसे काम के बारे में पूछता है, तब वो क्लिफर्ड को बताती है ओलिवर उसे नहीं मिला। वो नर्स क्लिफर्ड के ट्रीटमेंट के लिए रात में यहाँ रुक जाती है। वही कोनी अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन उसे रात में ओलिवर का ख्याल आने लगता है और वो ओलिवर के बारे में बार बार सोचने लगती है। उसके बारे में सोचकर वो अपनी बॉडी को टच करने लगती है। अगले दिन फिर से क्लिफर्ड उसे ओलिवर के पास भेजता है। कोनी जब यहाँ पहुँचती है तब ओलिवर उसे अच्छे से बात नहीं करता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि कोनी उससे क्या चाहती है और वो कोनी से अफेयर नहीं चाहता था, क्योंकि वो एक मामूली नौकर था। इसके बाद कोनी वहाँ से चली जाती है, लेकिन अगली बार जब वो ओलिवर से मिलती है तब ओलिवर उसे अपने कॉटेज की चाबी दे देता है और अब वो जब चाहे तब उसके कॉटेज में आ सकती थी और पक्षी और उसके अंडों को देख सकती थी, क्योंकि ओलिवर कोनी के पक्षी और उसके अंडों की देखभाल करता था। कोनी अब हर रोज यहाँ आती थी और वो ओलिवर को चुपके से देखती थी। जब वो ओलिवर के पास जाती है तब ओलिवर उसे एक नन्हा सा चूजा दिखाता है, जिस चूजे को देखकर कोनी रोने लगती है, क्योंकि अब तक कोनी का कोई भी बच्चा नहीं था और क्लिफर्ड की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी, इसलिए कोनी रोने लगती है। तभी ओलिवर उसके पास आता है और उसे गले से लगा लेता है। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं, लेकिन ऐसा करके कोनी को बहुत बुरा लगता है और वो गिल्ट फील करने लगती है और वो यहाँ से भागकर अपने घर जाने लगती है। उसे ऐसे भागते हुए मिस बोल्टन देख लेती है। इसके बाद वो काफी दिनों तक ओलिवर से नहीं मिलती है। वो ओलिवर से प्यार तो करती थी, लेकिन उसे पता था ये सब गलत है और वो क्लिफर्ड को धोखा नहीं देना चाहती थी। इधर ओलिवर को भी कोनी की बहुत याद आ रही थी और वो कोनी से मिलने के लिए चला जाता है और वो कोनी के घर के पास आता है। ओलिवर कोनी को एक बार देखना चाहता था। उसे कोनी दिखाई नहीं देती है, लेकिन मिस बोल्टन उसे देख लेती है। एक दिन जब कोनी अपने घर के बाहर बैठी होती है तब ओलिवर उसके पास आता है। ओलिवर उसे पूछता है, क्या हमने कुछ गलत किया है? कोनी उसे बोलती है, नहीं। इसके बाद दोनों जंगल में चले जाते हैं और फिर से इंटीमेट होते हैं। एक बार ओलिवर क्लिफर्ड के घर में आता है और वो क्लिफर्ड से बातें करने लगता है। वो उसे बताता है उसने दो शिकारियों को पकड़ा है जो कि शिकार कर रहे थे। कोनी ओलिवर से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब क्लिफर्ड कोनी और ओलिवर को देखता है तब उसे इन दोनों पर शक होता है। इसके बाद क्लिफर्ड और कोनी उन दोनों शिकारियों को देखते हैं। क्लिफर्ड कहता है, इन दोनों शिकारियों पर मुकदमा चलाओ, लेकिन कोनी उसे ऐसा करने से मना करती है। क्लिफर्ड कहता है, मैं एक शर्त पर उन दोनों को छोड़ सकता हूँ, अगर ओलिवर अपने हाथ से उन दोनों को पीटेगा तो मैं उन दोनों को छोड़ दूंगा, और अगर ओलिवर ऐसा नहीं करेगा तो उसे इस नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ओलिवर उन दोनों को पीटना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी नौकरी के लिए उसे ऐसा करना पड़ता है। एक दिन जब कोनी ओलिवर के पास जाती है तब वो उससे कहती है, मुझे एक बच्चा चाहिए। ओलिवर कोनी से पूछता है, क्लिफर्ड का क्या होगा, क्या वो उस बच्चे को एक्सेप्ट करेगा? तब कोनी उसे बताती है, मैंने क्लिफर्ड से बात कर ली है। ओलिवर उससे पूछता है, क्या क्लिफर्ड हमारे बारे में जानता है? कोनी उससे बोलती है, मैंने हमारे बारे में उसे नहीं बताया है,
लेकिन मैं ये जानती हूँ मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती हूँ। ओलिवर उसे बोलता है, तुम्हें एक रात मेरे कॉटेज में आना होगा, और वो कोनी की बात मान जाता है। जब कोनी घर जाती है तब मिस बोल्टन को कोनी के सर पर एक घास का टुकड़ा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है ओलिवर और कोनी का अफेयर चल रहा है। वहीं दूसरी ओर हम लोग कोनी और ओलिवर को देखते हैं, जो कि अक्सर अब मिलने लगते हैं। कोनी ओलिवर से कहती है, मैं एक रात तुम्हारे कॉटेज में जरूर आऊंगी और मैं तुम्हारी वाइफ की तरह रहूंगी, लेकिन मैं क्लिफर्ड को छोड़ना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं क्लिफर्ड से बहुत प्यार करती हूँ और उसे मेरी जरूरत है। ओलिवर उससे बोलता है, अगर तुम मेरे बारे में उसे बताओगी तब शायद हम दोनों को अलग होना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक नौकर हूँ और क्लिफर्ड कभी नहीं चाहेगा कि तुम्हारा अफेयर एक नौकर के साथ रहे और एक नौकर का बच्चा उनका वारिस बने। शाम में जब कोनी वापस आ रही होती है तब क्लिफर्ड बाहर से आते हुए कोनी को देख लेता है। कोनी जब घर पहुंचकर क्लिफर्ड के पास आती है तब वो पूछती है, तुम बाहर क्या कर रहे हो? क्लिफर्ड उसे बताता है, मैं सनसेट देखने के लिए यहाँ आया हूँ। अब क्लिफर्ड को कोनी के बारे में पता चल चुका था और वो जानता था कोनी और ओलिवर का अफेयर चल रहा है। इसके बाद वो उन दोनों को इंसल्ट करने के लिए अगले सुबह उन दोनों के पास जाता है, लेकिन ओलिवर अपने घर पर नहीं था और वो कोनी के घर के आसपास होता है। वो कोनी से मिलकर उससे ये कहता है, तुम आज रात मेरे साथ बिताओगी। इधर हम लोग क्लिफर्ड को देखते हैं, जो कि जानबूझकर अपनी बाइक कीचड़ में फंसा देता है और वो कोनी को आवाज लगाता है। कोनी जब उसके बाइक को पीछे से धक्का दे रही होती है तब वो अपनी बाइक से कोनी पर कीचड़ उछालता है। इसके बाद वो ओलिवर को बुलाता है और वो ओलिवर के साथ भी ऐसा ही करता है। जब क्लिफर्ड सो जाता है तब कोनी ओलिवर के पास जाती है। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं। इधर क्लिफर्ड की नींद टूट जाती है और उसे ऐसा लगा जैसे कोनी घर पर नहीं है। इसके बाद वो कोनी के कमरे तक पहुंचता है। वहां वो देखता है कोनी अपने कमरे में नहीं है। जब सुबह होती है तब क्लिफर्ड कोनी को घर आते हुए देखता है। कोनी क्लिफर्ड से कहती है, तुमने ही मुझसे ये कहा था कि एक आदमी पसंद करो और उसके साथ इंटीमेट होकर मुझे एक वारिस दो। लेकिन क्लिफर्ड उससे कहता है, मैंने ये कभी नहीं कहा था कि तुम एक नौकर के साथ इंटीमेट हो जाओ। इस बात से क्लिफर्ड को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद क्लिफर्ड कोनी को पेरिस भेज देता है और वो ओलिवर को काम से निकाल देता है। इसके बाद कोनी जब अपने सिस्टर के साथ होती है तब उसे ये बात पता चलती है कि वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद वो फिर से क्लिफर्ड के पास आती है, लेकिन यहाँ आकर उसे पता चलता है क्लिफर्ड ने ओलिवर को काम से निकाल दिया था। इसके बाद वो ओलिवर को ढूंढने के लिए चली जाती है। वो ओलिवर को ढूंढ लेती है और उसे सारी बात बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और वो क्लिफर्ड को छोड़ देगी और उसी के साथ रहेगी। लेकिन ओलिवर उससे बोलता है, तुम्हें अपना बच्चा मिल चुका है और तुम्हारे पति को उसका वारिस मिल गया है, इसलिए तुम्हें अब घर जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है और तुम क्लिफर्ड के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार सकती हो। इसके बाद कोनी उससे बोलती है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे खेतों में काम करके जिंदगी गुजार लूंगी और अब मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।